हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल टाइम उपेंद्र सिंह। साथियों, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी ने बीएड एडमिशन 2022 का जो शेड्यूल है उसको जारी कर दिया है। जो भी साथी हरियाणा से बीएड में एडमिशन लेना चाहता है बिल्कुल एक्टिव हो जाए। आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एडमिशन 2022, यानी कि आज से पहले हमने वीडियो बनाई तब हम हर बार आप लोगों को ये कहते थे कि जल्द ही एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं। बट आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो फार्म भरने की अंतिम तिथि है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा 2 अक्टूबर 2022 निर्धारित कर दी गई है। यानी कि कोई भी झारखंड का, बिहार का, दिल्ली का या फिर राजस्थान का बच्चा, हरियाणा का बच्चा चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी यानी कि हरियाणा से बीएड करना चाहता है तो उसके लिए फार्म भरने का लिंक जो है वो 12 सितंबर 2022 से स्टार्ट हो गया है। अंतिम तिथि भी 2 अक्टूबर 2022 रखी गई है। लगभग यदि माना जाए तो 20 दिन के आसपास का टाइम आप लोगों को मिल रहा है। यदि आपने इस 20 दिन के टाइम पीरियड के अंदर अपना फॉर्म भरवा के अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आप एडमिशन लेने से वंचित रह जाएंगे। साथियों, स्क्रीन पर आपको मोबाइल नंबर भी दिखाई दे रहा होगा। यदि आप अदर स्टेट के साथी हैं, किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है, एडमिशन लेने में कोई परेशानी आ रही है या फिर आपको कोई मार्गदर्शन की जरूरत है, आपको कोई गाइडलाइन देने वाला नहीं है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जितनी संभव होगी आपकी मदद करेंगे और आप लोगों की कम से कम फीस में एडमिशन करवाने की भी हमारी कोशिश रहेगी ताकि बाहर के बच्चे हैं किसी प्रकार के किसी परेशानी में ना आए, किसी फ्रॉड में ना फंसे और इस चीज़ का आप लाभ उठा सके। अब चलेंगे हम चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप देख पा रहे होंगे ये है चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट। साथियों, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी 2014 से हरियाणा सरकार के साथ मिलके काम कर रही है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, किसी प्रकार का कोई भी सोचने का विषय नहीं है। जिस प्रकार राजस्थान में यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान होती है या फिर अन्य जो सरकारी यूनिवर्सिटियाँ होती हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है जो दिल्ली में काम करती है, और भी आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी हो सकती है, इसी प्रकार चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी है हरियाणा प्रदेश की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है यूनिवर्सिटी को लेकर। यूजीसी की जो भी टर्म एंड कंडीशंस हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग काम कर रही है और 2014 के बाद एक्टिव है प्रॉपरली रूप से। ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। और जस्ट थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ आप साथियों देख पाओगे नोटिफिकेशन का ये एक सेक्शन चल रहा है। यहाँ आप देख पाओगे नोटिस कुछ दिखाए गए हैं। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ नोटिस वाले सेक्शन को। नोटिस वाले सेक्शन को ओपन करने के बाद आप यहाँ देख पाओगे, सबसे पहले तो ये जो आप एक पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय का जो मेन गेट है उस गेट का फोटो आप लोगों को स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। ये इंडियन आर्मी की तोप भी यहाँ रखी गई है और यहाँ आप इसको बिल्कुल आसानी से देख पाओगे। ये इंडियन आर्मी की तोप रखी हुई है और ये यूनिवर्सिटी का जो मेन गेट है उसका इंटरफेस है। जस्ट हम चलेंगे नीचे की तरफ, हमें देखनी है नोटिस। तो साथियों, नोटिफिकेशन में बताया गया है कि चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी ने बीएड का एडमिशन का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर दिया गया है। ये है नोटिस और जस्ट हम नीचे चलेंगे तो यहाँ आप देखोगे एडमिशन नोटिस, यूजी कोर्सेज, बीएड, बीएड स्पेशल कोर्सेज, बीपीएड और डीपीएड, बीपीईएस से संबंधित जो भी कोर्सेज होने वाले हैं सेशन 2022 से 23 का, उसका शेड्यूल यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया गया है। अब आपको लेट नहीं करना है, क्लिक एयर के ऊपर क्लिक करके आप इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको नोटिस को डाउनलोड करके दिखाता हूं कि इसमें किस प्रकार का क्या इंटरफेस बताया गया है, क्या क्या डेट्स दिखाई गई हैं। साथियों, यहाँ आप देखोगे, मैं थोड़ा सा इसको करता हूँ जूम और जूम करने के बाद आपको दिखाना चाहूँगा कि भाई चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के द्वारा जो नोटिस आप लोगों के लिए जारी किया गया है, थोड़ा जस्ट करता हूँ ऊपर। यहाँ देखोगे एडमिशन नोटिस है एकेडमिक सेशन 2022 से 23 के लिए और एडमिशन का जो प्रोसेस है यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल स्टार्ट कर दिया है। आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से कर लेता हूँ मिनिमाइज, क्योंकि इसको देखने में हमें परेशानी आ रही है। जूम होने के बाद स्क्रीन से कुछ आइटम बाहर जा रहा है। ये देखोगे आप नोटिस यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया है। इसमें एडमिशन, यूजी कोर्सेज, बीए, बीएड, सॉरी बीएड और बीएड स्पेशल, बीपीएड, बीपीईएस और बीपीएड और डीपीएड, इन सभी कोर्सेज को शामिल किया गया है। जस्ट नीचे चलेंगे, हमें देखनी है कि कब से एडमिशन स्टार्ट होने का प्रोसेस है। तो साथियों, सबसे जो लास्ट लाइन है इसके अंदर यहाँ दिखाया गया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आपका होने वाला है वो स्टार्ट हो जाएगा 12 सितंबर 2022 से। यहाँ आप देख पाओगे 12 सितंबर 2022 मंडे को एडमिशन का लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा और 2/10/2022 यानी कि संडे के दिन में इसकी क्लोजिंग होने वाली है। तो आपको केवल और केवल
20 दिन का समय यहाँ दिया जा रहा है। यदि आपने इस 20 दिन के टाइम पीरियड के अंदर अपना दाखिला नहीं लिया तो साथियों आप एडमिशन लेने से वंचित रह जाएंगे, आपका एक साल खराब हो सकता है। राजस्थान के बहुत सारे बच्चे हैं जो कि काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं कि राजस्थान में जल्द से जल्द काउंसलिंग हो जाए तो वैकेंट जो सीटें बचेंगी या फिर हमारा दाखिला नहीं होगा तो हम हरियाणा की तरफ रुख करेंगे। साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा एक्सपर्ट की आपको लेनी है सलाह और पिछली बार कितनी कट ऑफ गई थी उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको अपनी हरियाणा में सीट बुक करानी है। यदि आपको लगता है कि राजस्थान में एडमिशन होना संभव है या 95% तक आपको लगता है एडमिशन नहीं होगा तो आप बेहिचक होकर एडमिशन ले लें, अन्यथा आपकी साल खराब हो सकती है। अब यूनिवर्सिटी ने जो प्रोस्पेक्टस भी जारी किया है कोर्स का, उस प्रोस्पेक्टस को भी देख लेते हैं। यहाँ आप देख पाओगे यूनिवर्सिटी के द्वारा ये प्रोस्पेक्टस जारी किया गया है, स्क्रीन पर बिल्कुल आप देख पाओगे। और जैसे ही हम क्लिक एयर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये प्रोस्पेक्टस हमारा डाउनलोड हो जाएगा। प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करने के बाद इसके अंदर पेजेस की संख्या की मैं यदि बात करूँ तो इसके अंदर केवल 70 पेजों की संख्या है, यहाँ आप देख पाओगे। और जो इम्पोर्टेंट पेज है वो मैंने ओपन किया है, 70 नंबर पेज तक के आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा इम्पोर्टेंट पेज नंबर 19 जिसके ऊपर आपको दी गई है गाइडलाइंस एडमिशन से संबंधित, यहाँ आप देख पाओगे इस बॉक्स के अंदर एडमिशन स्टार्ट होने की जो डेट है वो 12 सितंबर 2022 रखी है। रजिस्ट्रेशन के लिए जनरल कैटेगरी के बच्चे को 1000 रुपये और SC ST और BC कैटेगरी के बच्चे को 625 रुपये फीस देनी होगी। एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, अदर स्टेट का कोई भी बच्चा राजस्थान से है, बिहार से है, झारखंड से है, दिल्ली से है या फिर अन्य किसी राज्य का है उसको हरियाणा के अंदर जनरल कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा। आपको 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस दे के अपना दाखिला करवाना होगा, ना कि 625 रुपये में। उसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग च्वाइस जो लॉकिंग करने का टाइम है वो दिखाया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा 2/10/2022 को आपको फार्म भर के अपनी जो च्वाइस है वो फिल कर देनी है। उसके बाद इन्होंने 3/10/2022 से लेकर 4/10/2022 तक जिन भी बच्चों की कोई करेक्शन है उस करेक्शन को दूर करवा दिया जाएगा और करेक्शन को दूर कराने के बाद आपकी फिर से लिस्ट जारी कर दी जाएगी कि भाई आपकी करेक्शन दूर कर दी गई है। 3 और 4 तारीख का टाइम दिया गया है। यदि किसी बच्चे को फॉर्म भरने में कोई त्रुटि आती है तो आप इस दौरान इसको ठीक करवा सकते हैं। जस्ट हम चलेंगे कि काउंसलिंग किस प्रकार से होंगी। साथियों यहाँ आप इस बॉक्स में देख पाओगे, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, आप इस बॉक्स में देख पाओगे डिस्प्ले ऑफ सीट, यानी कि 3 राउंड चलने वाले हैं, 1 नंबर राउंड, 2 नंबर राउंड और 3 नंबर राउंड। राउंड नंबर स्टार्टिंग की हम 1 नंबर की बात करें तो यहाँ आप देख पाओगे 1 नंबर राउंड में जो बच्चे 2 अक्टूबर तक अपना फार्म भरेंगे उन बच्चों को सीट 10 अक्टूबर 2022 तक अलॉट कर दी जाएगी। उसके बाद आपको बताना चाहूँगा जिन बच्चों का 10 तारीख को लिस्ट में नाम आता है 11 से लेकर 14 तारीख के बीच बीच में आपको कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग करनी है और जो बच्चे 14 तारीख तक कॉलेज में रिपोर्टिंग करेंगे उन बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। और 14 तारीख तक जो बच्चे रिपोर्टिंग करेंगे उसकी लिस्ट कॉलेज के माध्यम से यूनिवर्सिटी में भेजी जाएगी 15/10/2022 को शाम 5 बजे तक का टाइम रहेगा। उसके बाद जो वैकेंट सीटें रहेंगी उसके लिए सेकेंड नंबर काउंसलिंग का यूज किया जाएगा। सेकेंड काउंसलिंग के लिए 17 अक्टूबर 2022 को आपकी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। 18 से लेकर 21 के बीच में आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करानी है, फीस जमा करानी है। 22 तारीख को कॉलेज रिपोर्ट करेगा यूनिवर्सिटी के पास कि हमारे पास इन इन बच्चों ने एडमिशंस के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स और फीस जमा कराई है, उसके बाद हमारी सीटें खाली रह जाती हैं। साथियों फिर बात आती है राउंड नंबर 3 की, काउंसलिंग नंबर 3 की। यहाँ आप देख पाओगे 3 नंबर काउंसलिंग जो है वो फिजिकल मोड के रूप में होने वाली है। इस काउंसलिंग में पूरी और पूरी पावर रहने वाली है कॉलेज के पास। जो बच्चे अपना एडमिशन कराने जा रहे हैं उनमें से यदि किसी बच्चे का एडमिशन किसी कारण से फर्स्ट सेकंड राउंड में नहीं आता है तो 3 नंबर जो काउंसलिंग आपकी होने वाली है जो कि फिजिकल काउंसलिंग रहेगी उस काउंसलिंग में आप हिस्सा ले सकते हैं 27 अक्टूबर 2022 से लेके 3 नवंबर 2022 तक। 3 नवंबर 2022 तक आप इसके अंदर शामिल हो सकते हैं और उसके बाद कॉलेज रिपोर्टिंग करेगा यूनिवर्सिटी को कि भाई इस दौरान हमारे पास कितने बच्चों के एडमिशन हुए हैं। साथियों 3 नंबर राउंड जो आपका होने वाला है उसके अंदर आपको मोस्टली जो राजस्थान के या बाहर के बच्चे हैं उनको मोस्टली एडमिशन मिल जाते हैं क्योंकि स्टार्टिंग की जो काउंसलिंग 1 और 2 होने वाली है ये दोनों काउंसलिंग होती है हरियाणा के बच्चों के लिए।
ताकि किसी भी कारण से किसी बच्चे का ये डाउट ना रहे कि हम हरियाणा के निवासी हैं, हमारा जो 85% का कोटा होता है उसमें हमें एडमिशन ना मिला। तो फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग में हरियाणा के बच्चों को प्रीफरेंस दी जाएगी। थर्ड नंबर काउंसलिंग में अदर स्टेट के जो भी बच्चे होंगे, चाहे उत्तराखंड से हैं, चाहे आप झारखंड से हैं, चाहे आप राजस्थान से हैं, बिहार से हैं, दिल्ली से हैं, 3 नंबर राउंड में फिजिकल काउंसलिंग में आप हिस्सा ले सकते हैं। आपका एडमिशन बिल्कुल हो जाएगा, यूनिवर्सिटी आपका एडमिशन करने के लिए बाध्य रहेगी। जस्ट हम चलते हैं आगे। आगे मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पेज है वो पेज नंबर है 30, क्योंकि प्रोस्पेक्ट बहुत बड़ा है, सारा प्रोस्पेक्ट तो हम पढ़ नहीं पाएंगे इसे की वीडियो के अंदर। 30 नंबर जो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा फीस से संबंधित कुछ जानकारी दी गई है। बच्चों के सबसे बड़े डाउट्स होते हैं कि सर हमारी फीस क्या रहेगी। फीस से संबंधित जानकारी दी गई है, यहाँ आप देखोगे बीएड 2 ईयर कोर्स के लिए 44,000 रुपये फीस रखी गई है, और स्पेशल बीएड के लिए 82,000 रुपये। ये 1 ईयर की फीस है साथियों, 2 साल की फीस नहीं है। डीपीएड के लिए 25,800 की फीस है, 2 ईयर का कोर्स होने वाला है, 1 ईयर की फीस है। बीपीएड के लिए 44,000 रुपये, और बीपीईएस का जो कोर्स होता है जो कि डीपीएड और बीपीएड के इक्विवेलेंट सा ही माना जाता है, इसकी 25,000 रुपये फीस रखी गई है। उसके बाद जस्ट चलेंगे हम नीचे, तो नीचे चलने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ कुछ एग्जाम फीस भी दिखाई गई है। ये आपका शेड्यूल यहाँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ये शेड्यूल आपका रहने वाला है एग्जाम फीस का। तो हमारा फोकस रहेगा विशेषकर बीएड के बच्चों के ऊपर। 55,045 रुपये फर्स्ट ईयर की एग्जाम फीस, और 5,545 रुपये फर्स्ट ईयर की, और 5,245 रुपये सेकेंड ईयर की एग्जाम फीस यूनिवर्सिटी में जमा करानी होती है। अब हम इस ओवरऑल फीस को ऐड कर लेते हैं कि भाई ये कितनी फीस कैलकुलेट होती है, क्योंकि इसको 2-3 टुकड़ों में दिया गया है। साथियों बीएड की बात करें, 44,000 रुपये फर्स्ट ईयर की फीस है, 44,000 रुपये सेकेंड ईयर की फीस है। उसके बाद दोनों साल की यदि कॉलेज की फीस की बात की जाए तो 88,000 रुपये बनती है। 5,545 रुपये फर्स्ट ईयर की एग्जाम फीस, और 5,245 रुपये सेकेंड ईयर की। आपको मैं बताना चाहूंगा आपकी जो फीस लगने वाली है वो रहेगी 98,790 रुपये। बट मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे पास फिलहाल एक ऑफर चल रहा है, हमारे कॉलेज में स्टार्टिंग की 200, हमारे कॉलेज में ओवरऑल 200 सीटें हैं, जिनमें से हम स्टार्टिंग की जो 100 सीटें रहेंगी वो हम 85,000 के रेट में भरने जा रहे हैं, यानी कि 85,000 के हिसाब से। यदि आप एडमिशन लेने के इच्छुक हैं तो आप लोगों को स्क्रीन पर एक मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको हम क्लियर करेंगे, और यदि बड़ा ग्रुप होता है आपका 5, 7, 10, 20 स्टूडेंट्स का, तो फीस के बारे में भी कोई डिस्काउंट का यदि ऑफर होगा तो आपको बताया जाएगा। आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं किसी भी प्रकार की एडमिशंस की इंक्वायरी के लिए। तो साथियों फिलहाल के आज की वीडियो में आप लोगों के साथ ही जानकारी शेयर करनी थी। भविष्य के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सीआरएसयू से जुड़ी, बीएड से जुड़ी हर अपडेट आप लोगों को हमारे चैनल पर कंटिन्यू मिलती रहेगी, और आप इसका कंटिन्यू लाभ उठाते रहेंगे। किसी बच्चे के साथ किसी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं होने देंगे। जो भी आपसे बात होगी एक बार खोल बंद होगी, उसके बाद आपको 10 पैसा एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करना होगा, ये हमारा आपसे वादा रहेगा। और आप संपर्क कर सकते हैं, पर्सनली आके हमसे मिल सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसको हम पूरी करेंगे। जय हिंद, जय भारत।